छोड़ के ना जाए, और ऐसे ही संगीत को भी अपनाइए जो ज़िंदगी भर आपके साथ है, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि बाकी तो संगीत आपको पता है साल दो साल में गायब हो जाता है और मन में नहीं पाता है, मन में टिक नहीं पाता। इसलिए जैसे आप जीवन साथी चुनते हैं ज़िंदगी भर के लिए, वैसे ही संगीत भी ऐसा चुनते हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ है। सही है, इनका संगीत जो है हमारे बुजुर्गों ने भी अच्छी लगी, लगन सुना है, हम भी सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। ये जनरेशन तीन पीढ़ियाँ कम से कम पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ चलते रहेगा, एक ही वीडियो तक चलते रहेगा। और दूसरा जो भजन आज भी गाते हैं, या आप 30 साल चल लास्ट 50 साल से अरुण जी मेरे ख्याल से बचपन से, इनके बाबू जी मेरे ख्याल से और 100 साल तक आगे ऐसी लागी लगन वैसी ऐसी लगते रहेगा दिल पे, लगन लगती जाएगी, क्योंकि वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन से हम इसको और सुंदर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और इसमें शास्त्रीय कोड डालेंगे जिससे कि लोग इसको और पसंद करें और अपने जीवन में। अगर हम बात करें आज के यंगस्टर की, वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग से, इस जो कल्चर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर में इस तरह का संगीत बजाएं, बच्चों को सुनाएं, बच्चों को बताएं कि देखो ये संगीत है जो देर तक चलता है। तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं, ये कल्चर पेरेंट्स सिखा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में ये कल्चर नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए ज़रूरी है कि घर में ही पेरेंट्स। थैंक यू। देश भर में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, रेप किए जा रहे दफ्तरों में, आपने क्या देखिए, मुझे आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी हमला करूँगा क्योंकि मुझे अभी लोगों को सुनना है। लेकिन रेप किए जा रहे, ईडी की रेप्स पड़ रही, पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ पत्रकार बोल रहे हैं, उनके गलत पॉलिसी ये सब चीज़ें पढ़ते नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि हम लोग संगीत के साधक हैं, इसमें लगे रहेंगे, बाकी जो करने वाले उनकी बातें वो चल रही थी। ओके सर, थैंक यू सो मच।